और इंडिया और इंडिया इंडिया और भारत माता की, भारत माता की। अरे 10 सेकंड का विजुअल तो हो जाए, कम से कम बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम चंदन है और हम सीतापुर के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए, आप क्रिकेट समर्थक हैं, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे करीब 22 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते खेलते। अच्छा, किन किन स्तरों पे आपने क्रिकेट खेला? मैंने जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय क्रिकेट खेला है जी, और उसी के बिहाफ पे मैं इस टाइम कार्यरत भी हूँ एक विभाग में जी। और अभी लगातार तो नहीं खेल सकता काम की वजह से, लेकिन अब मैं संडे संडे अपना टाइम नहीं बिताता। अच्छा, तो ये बताइए, आज जो ये इतना जो है बड़ा मैच है भारत और पाकिस्तान का, इस पर आप क्या कहते हैं, कौन जीतने वाला है? ये हमारे लिए मैच नहीं है, ये हमारे लिए एक अपने देश के प्रति एक भाव है कि हमारा देश हमेशा ऐसे देश को हराता रहे जो हमारा पूरी तरह से हितैषी है, और हमें उस देश को हारते हुए देखते जितना मज़ा आता है इतना तो किसी देश को नहीं आता है। और खासकर हमारी प्रेजेंट टाइम में जैसा टीम परफॉर्मेंस कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान किसी तरह से भी आज ये मैच जीत पाएगी। अच्छा, आप एक खिलाड़ी हैं, आज की पिच की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि फास्ट बॉलिंग पिच की फ्रेंडली पिच है, और पाकिस्तान ने अपने 4 खूंखार जो हैं तेज गेंदबाज उतारे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें और पुराने गेंदबाज मोहम्मद आमिर को लेकर के आए हैं, इसके अलावा रऊफ है और वो नईम खान, ये 4 गेंदबाज हैं। आप क्या मानते हैं कि भारत की तरफ से कौन 4 गेंदबाज खेलने वाले हैं? मेरे हिसाब से भारत की तरफ से हमारे अर्शदीप सिंह और बुमराह और सिराज, ये 3 पेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और चौथे पे संशय बना रहेगा कौन खेलता है नहीं खेलता है। नो डाउट पाकिस्तान की पेस लाइनअप बहुत अच्छी है, लेकिन पिछला मैच देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होगा कि भारत के बल्लेबाजों के सामने वो इस तरह से बॉलिंग कर पाएंगे। भैया जी का मानना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जरूर अच्छी है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो भारत के सामने टिक सकेंगे। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर नाम है आपका? मोहम्मद फैज। अच्छा फैज साहब, ये बताइए कि आज ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ तक भारत के सामने टिक सकेगी? भारत के आगे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के मुकाबले कभी भी अच्छा नहीं कर पाई है, और वर्ल्ड कप हो या अनदर कोई सीरीज़ हो तो हमारी टीम इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ी है। और आज का मैच जो USA में होने जा रहा है न्यूयॉर्क में, उसमें भी आज भी इंडिया हमारा जो है काफ़ी अंतराल से मैच जीतेगी। अच्छा सर, एक बात करेंगे कि जैसे बताया जा रहा है कि जैसे बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, और शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के रूप में 2 शार्प लेफ्ट हैंडर उनके पास में हैं, और अपने यहाँ जो शीर्ष क्रम है अगर हम बात करें तो ऊपरी 3 की, तो अब ऋषभ पंत को जो है फर्स्ट डाउन लाया जा रहा है, लेकिन जो ओपनिंग है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा करते हैं। बताया जा रहा है, बताते हैं कि जो है पहले ये जो है कई बार स्ट्रगल कर चुके हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान के आगे जो है हमारी जितनी भी टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो 101% परफॉर्मेंस देते हैं, और ऐसे देश के खिलाफ खेलना और अच्छा परफॉर्मेंस देना हमारी टीम के जितने खिलाड़ी हैं सब गर्व की बात है। और हमारे जो है मिडिल ऑर्डर जैसे सूर्या हो गए, ऋषभ पंत हो गए और आपका ये हार्दिक हो गए, ये मिडिल ऑर्डर में काफ़ी मजबूती देते हैं। और टॉप ऑर्डर में हमारे विराट कोहली हो गए और आपके रोहित शर्मा, इनकी ओपनिंग आज 50+ हो सकता है, 100 भी हमें ओपनिंग दे सकती है। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि आज आपका मैन ऑफ द मैच कौन आपको दिख रहा है? वैसे आज के मैच में ऑफ द मैच हमें या तो हार्दिक दिख रहे हैं या फिर बुमराह। अच्छा, या फिर हार्दिक या बुमराह जी। अच्छा, तो ये भैया जी का मानना है कि आज भारत मैच जीतने वाला है, और मिडिल ऑर्डर को भी लेके इन्होंने बताई प्रक्रिया कि सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, और ये आपके हार्दिक पांड्या हैं, निचले क्रम में अगर डिसाइड बात करें तो रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, काफ़ी लंबा बल्लेबाजी क्रम है, भैया जी का ऐसा मानना है और भारत जीतने वाला है। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब हमारे साथ एक भैया जी और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या सर नाम है आपका? रितेश सिंह। अच्छा रितेश सिंह जी, रितेश सिंह जी ये बताइए कि आज जो भारत पाकिस्तान का मैच है, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो है भारत जीतने वाला है तो कितने रन से जीतेगा?
नहीं इंडिया जीतेगा आज, वैसे पहले बल्लेबाजी लेनी चाहिए इंडिया को, क्योंकि विकेट जो है बाद में रन चेज नहीं हो रहे हैं, तो पहले बल्लेबाजी करें, कम से कम 50 रन के अंतराल से जीते मैच, जिससे इनका रन रेट भी काफ़ी बढ़े। अच्छा, एक हम बात करेंगे सर कि जो भारत का बल्लेबाजी क्रम है, कि जो पिछला मैच जीत के आया कि रोहित शर्मा की 50 आई है, और उनका जो बल्लेबाजी क्रम देखें तो वो अभी 96 पे ही ऑल आउट हो गए, कुछ जो है 160 पे ऑल आउट हुए थे, तो 56 टाइम हाँ, हाँ तो ये कह रहे थे कि आप उनके बल्लेबाजी को ज़्यादा मजबूत मानते हैं अपने देश? नहीं, इंडिया बैटिंग तो सबसे बढ़िया है पूरे विश्व में, इसमें नंबर एक पर है। अच्छा। टीम भी नंबर एक पर है विश्व में, ट्वेंटी और टेस्ट और वनडे तीनों फॉर्मेट में, तो बल्लेबाजी तो इंडिया की ज़्यादा अच्छी है। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन? मेरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आज 50 मार रहे हैं। हाँ, वो जरूर मारेगा, चोटिल ना हो एक मैच खेलते हैं 50 या 70। अब आज देखो उनका संशय है मैच खेलने में, शायद सुनने में आ रहा है कि चोटिल हैं पिछले मैच में, हो गए थे प्रैक्टिस मैच में। अच्छा, लेकिन देखिए जब खेलते हैं तो रोहित शर्मा 50 तो मारेंगे ही मानेंगे। भैया जी का फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा है, और कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि प्रैक्टिस मैच में वो चोटिल हुए थे, इनके मन में शंकाएँ भी हैं उनके, उनको ना खेलने को लेकर के, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि भारत जीतेगा भी, और इनके जो फेवरेट खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा वो आज अर्धशतक भी लगाएंगे। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सैफ सिद्दीकी। अच्छा, ये बताइए आप क्रिकेट के पोशाक में दिख रहे हैं, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्रिकेट हम खेल रहे हैं 2015 से। अच्छा, तो 9 साल हो गया, काफ़ी अनुभव है आपको। आज कौन जीतने वाला है? आज के दिन तो पिच के हिसाब से देखते हुए, और ये वर्ल्ड कप में जितना भी मैच हुआ है, लगभग 7 मैच हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें से अभी तक तो एक मैच पिछला T20 में पाकिस्तान ने जीत दर्ज किया था, पिछले का हाँ पिछले में ही उसमें दर्ज किया था, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई इंडिया के खिलाफ, तो इससे यही लग रहा है कि आज इंडिया जीत जाएगी। अच्छा, आज तो उनके फेवर में चीज़ें मानी जा रही हैं कि जो है बॉलिंग फ्रेंडली जो है पिच है, उनके पास 4 बहुत खूंखार तेज गेंदबाज हैं 150 की स्पीड फेंकने वाले। आप क्या मानते हैं कि भारत का कौन बल्लेबाज उन 4 गेंदबाजों को जवाब देगा? उनके पास बॉलर भले हैं, लेकिन अपने इंडिया में बॉलर बहुत अच्छे हैं जी, बुमराह हो गए, ये क्या मोहम्मद सिराज हो गए, और ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या हो गया। हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा आज के मैच में। अच्छा, हाँ ये 3 बॉलर तो हमारे सबसे अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं बैटिंग लाइन अपने टीम इंडिया मजबूत बहुत है, बहुत बहुत मजबूत टीम है। अच्छा, एक चर्चा हम करेंगे, चूंकि क्रिकेट के गलियारों की चर्चा है, वर्ल्ड कप के पहले माना गया कि जो है हार्दिक पांड्या का तलाक हुआ, तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनको लेकर काफ़ी मीम्स बनती हैं कि इसमें कहें कि जख्मी शेर हैं, क्या यही आपकी सोच? कमबैक करेंगे वो, कमबैक करेगा, बहुत अच्छा कमबैक करेगा वो। अच्छा। वर्ल्ड कप में इम्प्रूवमेंट करेंगे बहुत अच्छा। तो देखिए ये भारतीय फैंस हैं कि जो क्रिकेट खिलाड़ी की पर्सनल ज़िंदगी हैं उनमें जो उनके जो हैं पर्सनल झटके हैं उनके लिए भी इनकी भावनाएं हैं, और इनका मानना है कि जो इनका फेवरेट खिलाड़ी है वह कमबैक करेगा और आज के मैच में मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस देगा। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये सीतापुर के खिलाड़ी हैं, और आप देख सकते होंगे कि वो स्टंप लगा रहे हैं, यहाँ पे एक मैच चल रहा है, उन्हीं के ये खेलने आए खिलाड़ी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आशीष अग्रवाल। अच्छा सर, एक चीज़ जानेंगे कि आज जो भारत पाकिस्तान का मैच है जी, इसके लिए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आज कौन जीतने वाला है? जीतने में भारत ही जीतेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और अभी आयरलैंड के साथ भी बहुत बढ़िया मैच खेला उन्होंने जी। और जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या हैं हमारे, और हमारे युवा खिलाड़ियों में हर्षदीप ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, तो हमें ऐसा लगता है कि आज हर्षदीप जो है हैट्रिक मारेंगे, और बैटिंग में हमारे रोहित शर्मा हैं, और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो यशस्वी जायसवाल जो है वो आकर के 4 छक्के उड़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि आज बताया जा रहा है कि जो उनके पाकिस्तान के बहुत खूंखार 4 तेज गेंदबाज हैं जो उनको लेके आए हैं, आप क्या मानते हैं कि भारत का कौन बल्लेबाज आज पूरे जोर से उनको जवाब देगा? विराट कोहली है। अच्छा। अपना और अपना रोहित शर्मा भी हैं, अच्छे परफॉर्मेंस, शिवम दुबे हैं, सारे अच्छे परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, और तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोई भी बॉलर उनके आगे टिक पाएगा। अच्छा जी, तो देखिए ये सीतापुर के जो हैं समर्थक हैं, और अपने देश के लिए इनकी ये भावनाएं हैं कि कितने भी तेज खूंखार गेंदबाज
भारत पाकिस्तान लेकर के आए, लेकिन भारत में ऐसे बल्लेबाज हैं जैसे ये भैया जी विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, इसके पहले एक भैया जी थे वो रोहित शर्मा का नाम ले रहे थे, एक भैया जी हार्दिक पांड्या के फैन निकले। तो आप देखिए सीतापुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 90 किलोमीटर दूर ये ज़िला, यहाँ पर जो है देश के क्रिकेटरों के लिए और देश के लिए क्रिकेट टीम के लिए क्या भावनाएँ हैं। अब हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो यहाँ पर जो है क्रिकेट कोच हैं और यहाँ की जो छोटे छोटे क्रिकेटरों की पौध है उसको वो जो है सींचने का काम करते हैं और रोज़ाना जो है यहाँ पर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो तैयार करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश श्रीवास्तव जी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सीतापुर में नन्हे नन्हे क्रिकेटरों की जो पौध है उनको तैयार करने का इनका काम है, क्रिकेट कोच हैं और काफ़ी वर्षों से सीतापुर में ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि क्रिकेट के बैट हैं और जो है काफ़ी सारा जो है खेल से जुड़ा यहाँ पर सामान है और खेल से जुड़ा इनका व्यवसाय भी है। तो सर ये बताइए सर, आज जो भारत पाकिस्तान का मैच है क्या लगता है आपको? इंडिया जीतेगी या क्या? अच्छा जी। लेकिन सर जो आज ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये मैच हो रहा है और वहाँ फ्रेश पिचों पे ये मैच हो रहे हैं और बॉलिंग फ्रेंडली ये जो है पिच मानी जा रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है काफ़ी मजबूत है, आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि इंडिया की बॉलिंग जो है जी अब बहुत ही बेहतर है जी, उसके पास बुमराह जैसे तेज गेंदबाज हैं जो कि किसी भी टीम की बखिया उधेड़ कर रख सकते हैं जी। तो इंडिया को कम आंकना जी कुछ वो नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है इस समय बहुत बेहतर स्थिति में है जी। और पाकिस्तान हमेशा दबाव में खेलता है जी। और इंडिया अपना पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा 110% देती है वो जी। तो इंडिया विन करेगी जो है जी। और ये बिल्कुल पक्का है और इंडिया जीतेगी मैच जो है। अगर हम पिछले उसकी बात करें जो पिछला मैच हुआ और वो जो इंडियन 11 थी या लाइनअप थी उसमें भारत ने दो तेज गेंदबाज और तीन जो है स्पिनर खिलाए थे, जबकि तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हार्दिक पांड्या को यूज़ करने की प्लानिंग थी, वो किया भी। आप क्या मानते हैं कि वही टीम उतरने वाली है या जो है कोई चेंज होगा? हाँ लगभग टीम वही उतरेगी, टीम बैलेंस थी जी। और हम नहीं समझते हैं कि मतलब जो है कोई बदलाव होना चाहिए जी, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत टैलेंटेड प्लेयर है जी और वो ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या बहुत प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए जी, क्योंकि हार्दिक पांड्या से बैटिंग बॉलिंग प्लस फील्डिंग बहुत बेहतर मिलती है जी। अच्छा एक सर समर्थक एक सवाल ये करते हैं कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा अगर बात करें तो एक ही फ्रेम के दोनों लगभग खिलाड़ी हैं, सेम लगभग एक ही तरीके से बैटिंग है और एक ही तरीके से बॉलिंग है, तो अगर जो पिछली बार यजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी अगर आए तो शायद जो है स्पिन बॉलिंग में थोड़ा वेरिएशन और है, आप क्या मानते हैं? देखिए नो डाउट है कि युद्धवेंद्र चहल बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जी, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं वहाँ और वो जो सोचेंगे बेहतर सोचेंगे जी, और जिस सिचुएशन में उनको लगेगा कि हाँ इस सिचुएशन में युद्धवेंद्र चहल या कुलदीप, क्योंकि कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करी है पाकिस्तान के खिलाफ जी, तो हमें लगता है शायद कुलदीप यादव को ज़्यादा बेहतर रहेगा खिलाना और युद्धवेंद्र चहल अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज क्या मानते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच इससे पहले 6-1 का आंकड़ा था वो 7-1 होने वाला है या 6-2 होने वाला है? 7-1 का आंकड़ा होगा ये बिल्कुल तय, फुल कॉन्फिडेंस जी हाँ बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि ये क्रिकेट कोच हैं सीतापुर में हमारे स्वदेश श्रीवास्तव जी और जो है छोटे छोटे क्रिकेटरों को जो है यहाँ पर तैयार करते हैं, काफ़ी वर्षों से काफ़ी चर्चित नाम है सीतापुर में, छोटे छोटे बालक इनके जो है शरण में आते हैं और जो है क्रिकेट के गुर सीखते हैं। आपको बता दें इससे पहले जो हमने खबर में बात की जो क्रिकेट के समर्थक हैं काफ़ी जोश में हैं, सीतापुर में भी क्रिकेट को लेकर काफ़ी गर्म माहौल है और सभी लोग जो है भारत की जीत की जो है को कह रहे हैं, और इसके अलावा किसी का मानना है कि यार रोहित शर्मा जो है 50 मारने वाले हैं, तो कोई कह रहा था कि यार जो है विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनेंगे, इसके अलावा हार्दिक पांड्या का जिक्र ज़्यादातर लोगों ने किया, उनका मानना है कि पर्सनल ज़िंदगी में भी उनके साथ जो हुआ है उसे जो है वो बैकअप करेंगे और जो है आज भारत के लिए जो है नाम रोशन करेंगे। सहयोगी शिवम वाजपेयी के साथ मैं अरुणेश अवस्थी सीतापुर। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।